हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मलेश पूजा चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये मॉर्निंग की हमारी चाय और क्या है, ब्रेड है। चाय और ब्रेड हम खा रहे हैं बैठ के सभी फैमिली मिलकर। और मेरी भाभी कुछ काम कर रही थी और मेरी मम्मी जो है खड़ी है, हम लोग ने चाय लेकर आ रही है और मेरी बहन भी बैठी है। हम सारी फैमिली बैठ के चाय पी रहे हैं। बस यहाँ पे मेरे पापा नहीं है क्योंकि वो जॉब के लिए बाहर थोड़ी से दूर पे रहते हैं। मम्मी भी वहीं पे रहती है लेकिन मम्मी मेरे साथ आई हुई है जब से मैं आई हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हमारी कॉलोनी है, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है दोनों को पढ़ा रही है, मेरे भतीजे को उसका आज पेपर है। बाय करो, बाय। डांस करते डांस। और फिर यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करने के बाद आके सो गए थे। दोबारा मेरा भतीजा सो रहा है और वो नंगा पुंगा सा है गया थोड़ा। तो और जो है मैं अब ऊपर जा रही हूँ, मेरी भाभी और मम्मी काम कर रही हैं ऊपर। मैं वीडियो बना रही थी तो मैं कहा चलो ऊपर भी दिखाती हूँ। मैं ऊपर हमारी किचन है और ये देखिए मेरी भाभी मेरी मम्मी काम कर रही हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए इनका काम तो कैसे दोनों मिलजुल कर करती हैं। क्या ये बहू जो है अपनी सास से इतना काम करवाती है, बेचारी सूख के लकड़ी हो चुकी है और बहुत जल जल के लकड़ी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मेरी माँ को ना एक बीमारी है काम करने की, बाकी बहू नहीं करवाती इस भाभी की सास। और ये देखिए मेरी आंटी बना रही है, बोल दो। और ये मेरी आंटी की बहू है और मेरी भाभी है। अभी आप लोगों ने बर्थडे ब्लॉग में भी देखा था इनको, इनकी बहू इतना काम। मेरी आंटी बहुत अच्छी है, अंकल भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत सारा प्यार करते हैं और हमें बहुत डराते भी हैं। जितना हम अपने पापा से नहीं डरते उन अंकल आंटी से डरते। अब हम उनकी उम्र के हो गए हैं और ये उससे भी ज्यादा उम्र है। इनका कमोल बहुत था, खड़े उधर से ही। और फ्रेंड ये जो है शाम का टाइम हो गया, 3 बज चुके थे और मेरा जाने का टाइम हो गया। तो मम्मी सभी को विदाई में पैसे वगैरह दे रही है, अपना प्यार दे रही है। तो ये देखिए मैं भी अपने भतीजे को अपना प्यार दे रही थी। तो चलिए अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, अब हम यहाँ से चलते। और मेरा मन जो है मम्मी से दूर होने का बहुत ज़्यादा उदास हो रखा था, मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आती हूँ, पूरे 1 साल बाद। इस बार तो चलो अपने भतीजे के बर्थडे पे आ गई हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन पे आती हूँ सिर्फ 1 दिन के लिए वो भी। तो चलिए और अब हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं जाने के लिए। और हमारे जो है घर से स्टेशन बहुत पास था, दूर नहीं है, बस 5 मिनट के रास्ते पड़ता है घर से स्टेशन। तो हम लोग फटाफट पहुंच चुके हैं स्टेशन। Flight stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind. और ये ट्रेन से जा रहे थे तो वहाँ का व्यू है बहुत प्यारा लग रहा था, यहाँ का व्यू। चलते चलते बस इनको देखते देखते हमारा टाइम पास हो गया था ट्रेन में, और ट्रेन भी 1 घंटे पूरे लेट थी। तो चलिए ट्रेन, आप लोग भी ट्रेन का मजा ले लीजिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स मेरा ट्रेन पे भी जो है मन बहुत उदास था। तो चलिए अब हमें तो अपने घर जाना ही पड़ेगा, ये तो रिवाज ही है अपना, जो मायका छोड़ के अपने ससुराल जाना पड़ता है एक नए
तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना, बाय बाय।